जो देश में ही बनाए जा सकते हैं और उन पर आत्मनिर्भर हुआ जा सकता है, और उनको लेकर हमें विदेशों पर निर्भर नहीं रहना, और उस दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं, कितनी प्रगति हुई है, इस बात को प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण से रेखांकित किया। बात की और वो सैनिकों की बातचीत, हम लगातार आपसे शैलेंद्र सुबह से भी ये डिस्कशन कर रहे थे कि जिस तरह से वो मन की बात करते हैं, सहज स्वाभाविक और सरल तरीके से आत्मसात करते हैं, उन अनुभूतियों को साझा करते हैं, उन अनुभवों को सुनते हैं, और यही तस्वीरें हम आपको दिखाया जाए। प्रधानमंत्री ने खुद जाकर सैनिकों से देखिए हाथ मिलाया, और जिस ऊर्जा के मंत्र की, जिस अपनेपन की, एक प्रधान सेवक के तौर पर लगातार प्रधानमंत्री हमेशा से कहते आए हैं जब भी संबोधन देते हैं और वो सैनिकों से मिलते हैं कि मैं आपके परिवार के रूप में, एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, उसमें हम जहां एक तरफ सुरक्षा के मोर्चे पर अब बहुत ज्यादा से ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ युवाओं की जो ताकत है, चाहे वो स्टार्टअप के जरिए हो या फिर सेना में जो नए नए अस्त्र शस्त्र शामिल हो रहे हैं, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। तो निश्चित तौर पर आज के संबोधन को हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि हमारी बढ़ती हुई ताकत दरअसल विश्व शांति की पक्षधर है, हमारे भारत की बढ़ती हुई जो ताकत है वो एक संतुलन बनाने का काम करेगी, और युद्ध को हम अंतिम विकल्प के तौर पर ही देखते हैं, ये हमारा इतिहास रहा है। तो बात करें सुपरसोनिक्स, ये तमाम शक्ति के परिचायक है जो कहीं ना कहीं अदम्य साहस और शौर्य का परिचय देते हैं। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि ये कहीं ना कहीं अगर आप परिवार से अलग हैं, दूर हैं, और खुद प्रधान सेवक आपके पास आकर बात करते हैं, तो आप यकीन मानिए मनोबल बढ़ता हुआ तमाम सैनिकों का। हम देख रहे हैं कि देश के तमाम ऐसे स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश मिल रहा है जो भविष्य के अफसर होंगी, सेना की भविष्य की जवान होंगी। तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि जब लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम इस भारतीय सेना में किया जा रहा है। भाग लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ताली बजाते हुए वंदे मातरम गीत को गाया और वो उस पर झूमते हुए नजर आए। बहुत बेहतरीन और बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए सुनिए। खिला रहे हैं मिठाई, दिवाली का ऐसा संबंध है आपस में, बिना मिठाई के दिवाली पूरी नहीं होती, और प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से सैनिकों को मिठाई खिलाते हुए, और ये उनका चिर परिचित अंदाज है, हर साल सेना के जवानों के साथ वो दिवाली मनाते हैं। और ये देखिए, ये जो ऊर्जा है, ये जो खुशी है, ये जो सकारात्मकता है, ये आप देख सकते हैं, एंड जोश बहुत हाई है। चमन तुझ पे दिल।